हेलो फ्रेंड्स, बार्बी विलेज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। अरे यार, मैडम को भी आज ही ड्राइंग कंपटीशन रखना था। मेरे पास तो अच्छे कलर भी नहीं है। मैडम का भी ना दिमाग खराब है कल से। आनी तो सिम्मी बोलते बोलते अपनी क्लास में पहुंच जाती है। सिम्मी तुम अब आ रही हो? मैडम कब से कह रही है सिम्मी अभी तक नहीं आए। सिम्मी आ जाए तो फिर ड्राइंग कंपटीशन शुरू करें। पूनम, मैं तो आ गई लेकिन मैडम कहाँ गई? मैडम तो शायद प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में गई हैं। अच्छा, वैसे पूनम क्या तुम कलर लाई हो? हाँ शिम्मी, मैं तो लाई हूँ। क्या तुमने लाई क्या कलर? अरे पूनम, मैं भी लाई हूँ लेकिन मेरे पास पिंक कलर नहीं है। तुम मुझे अपना पिंक कलर दिखा देना, ठीक है ना? ठीक है, ले लेना। वैसे तुम क्या बनाने वाली हो जो तुम्हें पिंक कलर चाहिए? पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो पिंक कलर का बालू बनाऊंगी। पागल, पिंक कलर का बालू कहाँ होता है? बालू तो काले रंग का होता है। लेकिन मुझे तो पिंक कलर का ही बालू पसंद है आनी तो। और तभी क्लास में मैडम भी आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज तुम्हारा ड्राइंग कंपटीशन है ना, तो सब कोई भी अपनी पसंद की ड्राइंग बनाओगे, ठीक है ना? और हाँ, जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे इनाम भी दिया जाएगा आज। मैडम, इनाम में क्या मिलेगा? ढेर सारी चॉकलेट्स। सब बच्चों को ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। फिर तो मैं ही सारी चॉकलेट जीतूंगी। अच्छा बच्चों, तुम सब ड्राइंग करो, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। और हाँ, सब बच्चे अपने अपने ड्राइंग करेंगे, कोई बच्चा किसी को परेशान नहीं करेगा और शोर भी नहीं करेगा, ठीक है ना? मैं तो केला बनाऊंगी। हाँ, मुझे तो केला बहुत पसंद है। मैं तो आम बनाऊंगी। मैं तो पिंक कलर का बालू बनाऊंगी। फिर सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग करने लगते हैं। कोई बच्चा तितली बना रहा है, तो कोई केला बना रहा है, तो कोई झोपड़ी बना रहा है। सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग बनाने में लगे हुए हैं। अली अली, बालू क्यों नहीं बनना? बालू की जगह कभी लोमड़ी बन ली है, कभी कुत्ता बनना है। बालू नहीं बनना मेला। तुम बालू बनाती लो, मेला तो केला बनकर तैयार भी होने वाला है। मैं आज बालू बना कर ले लूंगी, देख लेना। मीठा मीठा आम खा लो, मीठा मीठा आम। इधर देखो, मेरी तितली बनकर तैयार भी हो गई। धीरे धीरे सभी बच्चे अपने ड्राइंग बना लेते हैं। अरे यार, मेरा बालू तो बन ही नहीं रहा है। एक काम करती हूँ, पांडा ही बना लेती हूँ जल्दी से। सिम्मी जल्दी जल्दी अपना पांडा बना लेती है। तुम लोग देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी बनी है। ड्राइंग अच्छी है या बुरी है तो मैडम ही बताएगी। सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग में कलर भरने लगते हैं। अले, केले में पीला रंग होता है ना, मैं तो पीला ही बलूंगी। अले, पीला रंग बनने से देखो मेला केला तो असली लग रहा है। देखो देखो, मेरा मीठा मीठा आम बनकर तैयार हो गया। अले वाह, देखो मेला पिंक कलर का पांडा कितना सुंदर लग रहा है। मेरी तितली देखो रंग बिरंगी कितनी सुंदर लग रही है। मेला केला भी तैयार हो चुका है, मीठा मीठा केला। और फिर सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग कम्प्लीट कर लेते हैं। और फिर तभी मैडम भी आ जाती है। अरे वाह, आज तो आप सबने बिल्कुल भी शोर नहीं किया, बाहर तक बिल्कुल भी आवाज नहीं आई आप सब की। बच्चों, आप सबने ड्राइंग कंप्लीट कर ली क्या? हाँ मैडम। तो सभी बच्चे एक एक करके मुझे अपने अपने ड्राइंग लाकर दे दो, मैं अभी प्रिंसिपल मैडम से चेक करवा के लाती हूँ ड्राइंग्स। ये लो मैडम, मेरी ड्राइंग सबसे पहले बनी है, आज तो मैं ही जीतूंगी। मेरी झोपड़ी तो सबसे सुंदर बनी है। ये लीजिए मैडम, मेरी झोपड़ी बन गई। देखिए कितनी रंग बिरंगी बनी है मेरी झोपड़ी, आज तो मैं ही जीतूंगी। देखो देखो, मेला केला पीला पीला। ये लो मैडम, मेला केला बन गया, बिल्कुल रियल लग रहा है ना। ये लो मैडम, मेरी भी तितली बन गई, बिल्कुल कलरफुल है ना। मैडम मैडम, मैंने पेड़ बना लिया है और इस पर देखो आम भी लटके हुए हैं, आप खा लेना। ये लीजिए मैडम, मेला पका हुआ आम। अच्छा बच्चों, मैं प्रिंसिपल मैडम के पास जा रही हूँ ड्राइंग चेक करवाने के लिए, आप सब शांत बैठे रहना, ओके? मैडम सारे ड्राइंग लेकर चली जाती हैं। और तभी लंच की घंटी बज जाती है। मैं तो कब से इंतजार ही कर रही थी कि लंच की घंटी बजे, मुझे तो बहुत जोलों की भूख लगी है ये। चलो आ जाओ सिम्मी, पूनम, सपना, तन्नो, सब आ जाओ, हम सब मिलके लंच करते हैं एक साथ।
अली अली रुको, मैं आ लई हूँ, मैं भी खाऊंगी आप लोगों के साथ खाना। सभी बच्चे बड़ा सा सर्कल बना के लंच करने लगते हैं। अले यार, मेरी मम्मी कितनी बड़ी भुलक्कल है, मैंने कितनी बार कहा है मुझे बैगन की सब्जी पसंद नहीं है, मुझे मत दिया करो, फिर भी लंच में यही पैक करके दे देती है। हाँ नहीं तो क्या हुआ सिमी, मुझसे ले लो सब्जी, मेरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। पूनम, तुम्हारी सब्जी में मिर्ची तो नहीं है ना? मेरी सब्जी खा कर तो देखो, मिर्च होगी तो पता लग जाएगा। सिमी पूनम से सब्जी लेकर खाने लगती है। अरे यार, इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्च है, पानी पानी, कोई पानी दो मुझको। पानी तो तुमको भाली जाकर पीना पड़ेगा, जाओ जल्दी से पी कर आ जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। हे भगवान, इतनी तेज मिर्च कैसे खा लेते हो तुम लोग, मेरी तो जान ही निकल गई। और फिर सिमी पानी पीने चली जाती है और फिर पानी पीकर आ जाती है। अले सिमी, पूनम की सब्जी में कहाँ इतनी ज्यादा मिर्च है, अभी मैंने सब्जी खाकर तो देखी। अले तुम सब तेज मिर्ची खाने वाले हो इसलिए खा लेते हो। और तभी सब बच्चे खाना खा लेते हैं और लंच की घंटी बज जाती है। अली अली, अब तो लंच की घंटी बंद हो गई है, चलो चलो जल्दी से अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, मैडम आती ही होंगी चेक करवा कर। अली हाँ भाई, सिमी सही बोल रही है, अपनी अपनी सीट पर जाके बैठते हैं, मैडम आई नहीं होंगी। और फिर सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। देखना कॉम्पिटिशन में तो मैं ही जीतूंगी। और तभी मैडम क्लास रूम में आ जाती है। तुम सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे ड्राइंग बनाई हैं, प्रिंसिपल मैडम तुम सबकी ड्राइंग देखकर बहुत खुश हो रही थी आज। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मैम ने आप सभी को चॉकलेट देने के लिए कहा है, इसलिए तुम सब बच्चों को चॉकलेट मिलेगी आज। तभी एक आंटी ढेर सारी चॉकलेट्स क्लास में लेकर आ जाती है। ये लीजिए निशा मैडम, प्रिंसिपल मैम ने सभी बच्चों के लिए चॉकलेट भिजवाई है। ये लीजिए मैडम, मैंने सारी चॉकलेट्स आपके टेबल पर रख दी हैं। अच्छा मैम, अब मैं जा रही हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो बैल बजाकर बुला लीजिएगा। सभी बच्चे एक एक करके आएंगे और अपनी अपनी चॉकलेट लेकर जाएंगे। ये सबसे पहले मेरे को चॉकलेट मिलेगी क्योंकि मैंने सबसे पहले ड्राइंग जमा करवाई थी। ये मजा आ गया, उर्रे उर्रे, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। अरे वाह, आज तो पूरी क्लास को चॉकलेट मिलेगी, क्या बात है। पूनम, तुमने एक ही चॉकलेट ली है ना, लास्ट टाइम तुमने दो उठा ली थी, सभी बच्चों को नहीं मिल पाई थी, एक ही लेना। ओके जाओ। सभी बच्चे अपनी अपनी चॉकलेट रोल नंबर वाइज लेकर चले जाते हैं और सभी बच्चों को चॉकलेट्स मिल जाती हैं। यम्मी। अरे शिमी, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, तुम अपनी चॉकलेट खाओ ना। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं अपनी ट्यूशन वाली मैडम को दिखाऊंगी। लता और मोनू दीदी ना मुझे बुद्धू बोलती हैं, उन्हें ना मैं चॉकलेट दिखाकर कहूंगी देख लो दीदी मैं बुद्धू नहीं हूँ। और तभी छुट्टी की बेल बज जाती है। अरे पूनम, छुट्टी हो गई, जल्दी जल्दी भागो भागो, आजो आजो सारे, भागो भागो, छुट्टी हो गई, हुर्रे हुर्रे। सभी बच्चे अपने अपने घर चल देते हैं और सिमी को पता भी नहीं चलता उसकी चॉकलेट गिर जाती है और वो लता और मोनू के घर चली जाती है। अले मोनू दीदी तो सामने ही बैठी हुई है, मजा आ गया, अब इनको दिखाऊंगी। मोनू दीदी, लता दीदी कहाँ है, क्या हुआ मुझे बताओ, लता दीदी तो बाजार गई हुई है। दीदी, आप लोग मुझे बुद्धू बोलते हो ना, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैंने स्कूल में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी और वो ड्राइंग मेरी प्रिंसिपल मैडम को भी पसंद आई, प्रिंसिपल मैडम ने मुझे चॉकलेट भी दी आज। बहुत अच्छी बात है सिमी, पहले मुझे चॉकलेट दिखाओ फिर मानूंगी कि तुम्हें इनाम मिला है। अभी दिखाती हूँ, मुझे पता था आप यकीन नहीं करोगी इसलिए मैंने चॉकलेट भी नहीं खाई। अले अले, मेरी चॉकलेट कहाँ गई, जी मुझे लगी थी मैंने चॉकलेट कहाँ गई मेरी, दीदी चॉकलेट तो मैंने बैग में ही लगी थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे उल्लू बना रही हो। तभी इधर से लता दीदी मार्केट से आ रही होती हैं, तभी उन्हें रास्ते में चॉकलेट दिखाई देती है। अरे ये चॉकलेट किस बच्चे की गिर गई है, यहाँ तो आसपास कोई बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उसे उठाकर घर पे ले चलती हूँ, सिमी को दे दूंगी। लता चॉकलेट उठाकर बैग में रख लेती है और फिर घर की तरफ चल देती है। चलो आज तो सिमी चॉकलेट खाकर खुश हो जाएगी। सिमी वो देखो, लता दीदी आ गई। अरे सिमी, तुम तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हो, क्या बात है। अरे सिमी, क्या हुआ है, तुम्हें उदास क्यों दिख रही हो।
सिम्मी ना हम दोनों को उल्लू बनाने आई थी लेकिन बना नहीं पाई। सच में दीदी चॉकलेट मिली थी, लगता है रास्ते में गिर गई। अच्छा तो वो तुम्हारी चॉकलेट थी जो मुझे रास्ते में मिली थी, ये लो अपनी चॉकलेट खाओ। अरे वाह सिम्मी, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुमने तो इनाम जीता है आज, तुम्हारे लिए तो तालियां बजनी चाहिए। ताली बजते ही सिम्मी जोर जोर से नाचने लगती है, हुर्रे हुर्रे ये ये। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।